हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी भक्तों को। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राधे कृष्णा। आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आइए आज हम बहुत ही मेन टॉपिक पर, जरूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। बहुत लोगों का ये सवाल होता है मुझसे, बहुत लोगों ने पूछा है ये काफ़ी बार कि आप जो भोग लगाते हैं लड्डू गोपाल का, तो उसके बाद उस खाने का क्या करते हैं, उस भोग का क्या करते हैं। तो देखिए मैं बताती हूँ मैं क्या करती हूँ। मैंने बहुत लोगों को तो ये देखा है, जो लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं वही भोग किसी घर के सदस्य को दे दिया जाता है, वो उसी में ही थाली में उसी में खा लेते हैं। पर हमें ऐसा नहीं करना है। हमें भोग लगाने के बाद लड्डू गोपाल का, तुलसी का पत्ता और ताली या घंटी बजाना बहुत ही ज़रूरी होता है। तुलसी का पत्ता अवश्य रखें आप लोग भोग लगाते समय। और दूसरा, जब भोग लगा लें तो 10 मिनट या 5 मिनट थाली उनके पास ही रखी रहने दें। जब आप उठा कर लाएँ उनके पास से उस भोग को, तो उस भोग का क्या करना है, हमें जो हमने खाना बनाया था बाकी के उसी खाने में इस भोग को मिला देना है। आप रायता बनाया है तो रायते में मिला दीजिए, खीर बनाइए तो खीर में मिला दीजिए, बाकी का जो खाना है इसी प्रकार आपको सारे खाने में मिक्स करना है। फिर उसके बाद आप घर के किसी भी सदस्य को वो खाने को दे सकते हैं। आप वो सारा ही खाना आपका प्रसाद बन जाएगा। इस प्रकार आप अपने भोग को दीजिएगा, सभी भोग इस प्रकार ही ग्रहण करें अपने आपके घर के सदस्य। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी, आगे से आप भी ऐसा करिएगा। तो राधे राधे सभी भक्तों को, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।